Welcome to Theory Unplugged. So in this session, we will discuss linear equation in one variable. So in previous session, we already discussed two examples. Abhi hum phir se do naye example dekhne wale hai. So this is third, this is fourth. So third example ki baat karte hai. Theek hai? So as it is, wahi karna hai. Agar numerator mein, denominator mein values hai, toh tension ki zarurat nahi. Aur bhi aasan hota hai. Theek hai? So equal to ke niche equal to. Then minus 3 by 2. जैसे कि वैसा इक्वल टू के ये साइड, देन अब ये वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे. ठीक है, तो इसका साइन प्लस है तो वो जाएगा माइनस माइनस 5 बाय 2. अब यहां बचेगा x बाय 3, देन दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट 2 लिख देंगे. ठीक है, इसका भी डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज लिख देंगे. अब यहाँ पे माइनस 3 माइनस 5. अब हमेशा याद रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में अगर साइन है, ठीक है, कोई भी साइन है, तो वो जाता है न्यूमरेटर को. ठीक है, वो जाता है न्यूमरेटर. देखो 3 बाय 2 है, माइनस 3 बाय 2, ये माइनस साइन 3 को चले गया, माइनस 5 ये साइन जो था ये माइनस को चले, 5 को चले गया. ठीक है, सो यहाँ बचेगा एज इट इज एक्स बाय 3, देन माइनस माइनस होगा प्लस, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8. अब बड़े नंबर का साइन ऑब्वियसली माइनस है, डिवाइड बाय 2, सो एक्स बाय 3, सो 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, तो आ गया माइनस 4. ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 वन जा 2 हो गया, 2 फोर जा 8, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा एक्स बाय 3. अब ये डिवाइड में है, सो इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, सो माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पे आएगा x, सो x इज इक्वल टू 4 थ्री जा माइनस 12. क्यों माइनस 2, क्योंकि इसका प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, सेम 4 थ्री जा 12. सो दिस इज x इज इक्वल टू 12 इज माय सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब इसको फिर से चेक करना पड़ेगा, तो वही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो. ठीक है, सो देन क्वेश्चन नंबर 4, सो फोर्थ एग्जांपल, सो इक्वल टू नीचे इक्वल टू एज इट इज 9 जैसे कि वैसा. ठीक है, अब इससे अच्छा क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस 7x है उधर भेज देंगे, तो वो हो जाएगा प्लस 7x. अब ये माइनस 9 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस, ठीक है, माइनस 9. अब ये जैसे कि वैसा 15/4, इसको लिख देते अच्छे से. ठीक है, प्लस 9 था वो माइनस 9 हो गया, माइनस 7x था वो, ठीक है, तो 7x हो गया. देन ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है. ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये इक्वल टू 7x, देन 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, देन ये आ जाएगा 4 वन जा 4, ये दिस इज 15 माइनस 36 इक्वल टू 7x, देन 7x जैसे के वैसा डिवाइड बाय 4, अब इसका आएगा माइनस 21. ठीक है, ठीक है, 36 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये था प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 36 में से 15 गया, तो माइनस 21 इक्वल टू 7x. देन x जैसे कि वैसे, ठीक है, ये 7 एंड x ऑब्वियसली डिस्कस किया हमने कि 7 और x में रहता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो 7 डिवाइड में चला जाएगा, सो माइनस 21 डिवाइड बाय 4, ये ऊपर जैसे कि वैसा था, इसके डिवाइड बाय 7 चलेगा. ठीक है, 7 डिवाइड में जाएगा, ये जैसे कि वैसे ऊपर की वैल्यू लिखी, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई में था तो वो चले गया डिवाइड में. देन अब हमेशा याद रखना है कि जब भी डिवीजन में 7 होता है या कुछ भी होता है, तो अगर वो ऊपर जाता है तो वो फिर से मल्टीप्लिकेशन आता है. अब वो 7 डिवीजन में ऊपर आएगा तो फिर से मल्टीप्लिकेशन में, सो माइनस 21 डिवाइड बाय 4. अब करते समय कैसा, 7 के नीचे 1 है, ठीक है, 7 के नीचे कुछ नहीं था पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो ये न्यूमरेटर पूरा, ये डिनोमिनेटर पूरा,
तो ये डिवीजन में था, अगर ऊपर जाता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। दिस इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अब 7/1 है तो वो 1/7 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में था और ऊपर जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। सो 1/7, तो सिंपल है, 7 1 7, 7 3 21, ठीक है। तो -3 बचा क्या है, 1, ठीक है, लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। सो क्या बचा, 3 × 1 -4 × 1 =x, ठीक है। तो ये -3/4, ठीक है। सो दिस इज x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। तो हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू रही, और डिनोमिनेटर से अपने को अगर डिवाइड से लेकर मल्टीप्लिकेशन भेजना है तो वहां पे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। एक बढ़िया ट्रिक है, हमेशा काम आएगी, कितने भी बड़े प्रॉब्लम रहे उसमें आपको एक ट्रिक याद रखने की, अगर डिवीजन में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो जो डिनोमिनेटर वाला है उसको डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में भेज दो। सो हियर इज x इज इक्वल टू -3/4, इसको फिर से सॉल्व कर देखना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करो दोनों में सेम आएगा, क्योंकि वेरीफाइड है, -x इज इक्वल टू 3/4।